आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। एक निर्माता ए और बी दो प्रकार के चाय के कप बनाता है। इस हेतु तीन प्रकार के मशीनों की आवश्यकता है। मशीन पर लगने वाले समय मिनट में निम्न है। यहाँ देखिए ए बी और ये देखिए मशीन, एक दो तीन तरह के मशीन है। ए का 12 मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है, 6 मिनट लगता है। बी का 6 मिनट, 0 मिनट और 9 मिनट लगता है। इन मशीनों पे प्रत्येक मशीन प्रतिदिन 6 घंटे के लिए उपलब्ध है। यदि प्रत्येक चाय का कप ए पर 75 पैसे लाभ तथा बी पर लाभ 50 पैसे है तो दर्शाइए कि अधिकतम लाभ के लिए प्रतिदिन 15 कप ए और बी प्रकार की हमारे पास में 30 कप चाय निर्माण होना चाहिए। तो देखिए जरा यहाँ पर इसको किस प्रकार से हल करना है हम लोगों को। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग इसके लिए फिर से टेबल जो है वो बना लेते हैं। देखिएगा जरा, इसके लिए टेबल बनाएंगे तो क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, यहाँ लिख देता हूँ बी। ये पहली प्रकार की मशीन, ये दूसरी प्रकार की मशीन, ये तीसरे प्रकार की मशीन और ये आ गया आपका लाभ। यहाँ देखिए, पहली प्रकार की मशीन में ए का कितना समय लगता है, 12, फिर 18 और फिर 6। फिर यहाँ पे बी का कितना समय लगता है, 6, 0, 9। मान लेते हैं एक्स कप बनाएं और इसके वाई कप बनाएं। तो देखिए, एक कप में 12 मिनट लगे तो एक्स कप में कितने लगे, 6x 12x लगे। तो इसी प्रकार ये सभी के सभी एक्स से गुणा हो जाएंगे, सभी के सभी वाई से गुणा हो जाएंगे। यहाँ देखिए लाभ कितना हो रहा है, पहले ए कप के ऊपर जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 75 पैसे। 75 पैसे का मतलब होता है 3/4 रुपये, तो ये x आ गया। यहाँ पे देखिए, आपके पास 50 पैसे बोला, यानी 1/2 y आ गया। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखिए, हर मशीन का कितना उपलब्ध है आपके पास में, 6 घंटे उपलब्ध है। 6 घंटे हैं तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 × 60 यानी कितना हो गया आपके पास में, 360 मिनट आ गए। क्योंकि ये काम जो है ये मिनटों में हो रहा है, तो ये भी मिनटों में होना ज़रूरी है। अभी अधिकतम 360 मिनट काम में ले सकते हैं आप, तो ये 360 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग इसका देखिए असमिकाएँ बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली असमिका क्या बनेगी, सबसे पहली जो असमिका है आपके पास वो देखिए, सबसे पहली है अरिणेतर चर। अरिणेतर चर क्या है आपके पास में, जो आप उत्पादन कर रहे हैं, आप कितना उत्पादन कर रहे हैं, एक्स और वाई। तो आप उत्पादन या तो नहीं करेंगे तो 0 हो जाएगा, उत्पादन करेंगे तो धनात्मक आएगा, तो ये कभी ऋणात्मक नहीं होता। फिर इसके बाद में देखिए, यहाँ पर आपके पास में पहली मशीन के लिए आप लोग शर्त बनाइए तो कितना आएगा, देखिए 12x + 6y < 360, यही तो आएगी। देखिए आप कुल कितना काम में ले रहे हैं, इतना, और आपके पास कुल उपलब्धता कितनी है, 360 के। तो आप उससे कम काम में ले सकते हैं या वहाँ तक काम में ले सकते हैं, उससे ज़्यादा काम में नहीं ले सकते। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 6 का भाग लग रहा है तो ये बनेगा 2x + y < 60 कितना, 60 आ जाएगा। फिर इसके बाद में दूसरी असमिका, दूसरी तो बना ली, तीसरी असमिका यहाँ पे कितना आएगा, 18x < 360। यहाँ देखिए, दूसरी मशीन का कितना काम आ रहा है, केवल 18x, तो यहाँ पे कुल उपलब्धता कितनी है, 360। ऊपर की तरह यहाँ पे भी 18 का भाग लगाना है, यहाँ पे तो हमें ऊपर तो हमने केवल 6 का भाग लगाया था, तो ये कितना आ जाएगा, ये सीधा सीधा आपका 20 आ जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ देखिए, चौथे में क्या दिया गया है, 6x + 9y < 360 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, आप 3 का भाग लगाएंगे तो 2x + 3y < 120 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ये आ गया। अब देखिए, आपका उद्देश्य फलन बना देते हैं जेड लाभ का, तो ये कितना हो गया, 3/4x + y/2, ये आपका उद्देश्य फलन आ गया। ये क्या है, अधिकतम है, ये क्या है आपका, अधिकतम है, ठीक है। अब देखिए जरा आगे, यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम लोग अब इन जो उद्देश्य फलन हमारे पास, ये जो हमारे पास असमिकाएं आए हैं, इनका जो है क्षेत्र हम लोग याद कर लेते हैं। तो x, y > 0 का मतलब क्या हो गया, देखिए x और y दोनों धनात्मक, ऐसा होता है केवल प्रथम चतुर्थांश में, तो ये आ गया। अब इसके बाद में देखिए आगे, दूसरी असमिका बनाते हैं, तो देखिए दूसरी असमिका का क्या मान निकल के आएगा, देखिए दूसरी असमिका का मान जो निकल के आएगा वो क्या है आपके पास में, 2x + y < 60। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग बराबर का चिन्ह लगा दीजिए तो ये कितना बन गया, 2x + y = 60। यहाँ पे आप टेबल बना दीजिए तो ये आएगा एक्स वाई। तो देखिए, एक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान 60 आएगा, बिंदु बनेगा 0,60। फिर आप वाई का मान 0 रखेंगे तो एक्स का मान 30 आएगा, तो बिंदु बनेगा 30,0। यहाँ पे देखिए, मूल बिंदु को रख दीजिए तो 0,0 आप रखेंगे तो ये बनेगा 0 > 60, जो कि संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब ये आएगा मूल बिंदु की ओर।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मूल बिंदु की ओर आ गया। अब देखिए आगे, इसके बाद में हम लोग तीसरी असमीका को हल करेंगे, तो तीसरी असमीका हल करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। तीसरी वाली असमीका क्या है आपके पास, तीसरी वाली असमीका एक्स लेस देन इक्वल टू 20 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप एक्स बराबर 20 लगा दीजिए चाहे तो, एक्स और वाई की टेबल बनाएंगे। तो देखिए एक्स का मान 20 ही रहेगा, वाई का मान 0 रख दीजिए, एक्स का मान 20 ही रहेगा, वाई का मान 1 रख दीजिए। तो ये आ गया 20,0 और ये आ गया 20,1, दो बिंदु निकल आए। अगर आप यहाँ पे मूल बिंदु को संतुष्ट करवाते हैं तो ये क्या बनेगा, देखिएगा मूल बिंदु को आप संतुष्ट करवा दीजिए, 0,0 रख दीजिए, तो 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 0 लेस देन इक्वल टू 20, इसका मतलब क्या आ गया, मूल बिंदु की ओर आ गया। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए चौथा प्रकार, चौथा प्रकार क्या है आपके पास में, देखिए चौथा प्रकार है आपके पास में 2x+3y लेस देन इक्वल टू 120। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप x लिख दीजिए, यहाँ y लिख दीजिए, बराबर का चिन्ह मान लीजिए। तो देखिए x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा आपके पास में, यहाँ पर y का मान निकल के आएगा आपके पास में यहाँ पर 40, सही बात है। यहाँ देखिए x का मान 0 रखेंगे, y का मान 3 का भाग इधर जाएगा, ये आएगा 40, तो बिंदु आ गया 0,40। फिर इसके बाद में y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 60, तो ये आ गया 60,0, ठीक है, ये निकल आया आपके पास में। अब देखिए आगे, यहाँ पे देखिए मूल बिंदु संतुष्ट करवाइए, 0,0 रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 120 आएगा, यानी ये आ गया मूल बिंदु की तरफ। देखिए ये आपके पास बन गया प्रथम चतुर्थांश, क्यों, क्योंकि सबसे पहले वाली असमीका आपको क्या कह रही है, प्रथम चतुर्थांश के बारे में कह रही है। अब देखिए इसके बाद में क्या, इसके बाद में देखिए सबसे पहले हम लोग सबसे पहले वाली असमीका को बना, दूसरे नंबर वाली असमीका को इसमें बनाएंगे, दूसरे नंबर वाली असमीका यानी वाई एक्स को 60 पे काट रही है और एक्स एक्स को 30 पे काट रही है। तो ये बना देते हैं हम लोग यहाँ पे, वाई एक्स को 60 पे काटती हुई तथा एक्स एक्स को 30 पे काटती हुई कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर कुछ ऐसा, ये देखिए, तो ये बिंदु क्या हो गया आपके पास में यहाँ पे, ये हो गया 30,0 और ये बिंदु क्या हो गया आपके पास में यहाँ पर 0,60 हो गया। तो देखिए जरा यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास में यहाँ पर 2x+y लेस देन इक्वल टू 60, ये आ गया आपके पास यहाँ पर 2x+y लेस देन इक्वल टू 60, या फिर बराबर 60 भी बोल सकते हैं, मूल बिंदु की तरफ है इसलिए हम लोग इसको इधर की तरफ दो छोटे छोटे एरो लगा देते हैं, दो छोटे छोटे तीर लगा देते हैं। फिर इसके बाद में देखिए अगली असमीका क्या है, तीसरे नंबर की, तीसरे नंबर की असमीका है एक्स बराबर 20। एक्स बराबर 20 यानी कि देखिए एक्स एक्स को कहाँ पर काट रही है, एक्स बराबर 20,0 पे काट रही है और इसी के ऊपर ही 20,1 से होके जा रही है, यानी एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनेगी। तो ये रेखा कुछ इस प्रकार से आपके पास में यहाँ पर आएगी, ठीक है, ये आ गई आपके पास में यहाँ पे एक्स बराबर 20 और ये भी मूल बिंदु की तरफ है, यानी इसको इधर की तरफ ऐसे एरो लगा देंगे हम लोग छोटे छोटे, ये आ गया। अब इसके बाद में देखिए आगे क्या, इसके बाद में आगे हमारे पास में है दूसरी असमिका होगी, चौथी असमी, तीसरी भी होगी, चौथी, चौथी असमिका में देखिए एक्स एक्स को 60 पे काट रहा है तथा वाई एक्स को 40 पे काट रहा है, वाई एक्स को 40 पे काटेगा, एक्स एक्स को 60 पे काटेगा। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, ये यहाँ पे ये बना, ये बिंदु कितना आ गया आपके पास में 0,40, एक्स वाई एक्स को 60 पे 40 पे काट रहा है और एक्स एक्स को कितने पे काट रहा है 60,0 पे काट रहा है। तो इसका समीकरण भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसका समीकरण कितना है आपके पास में यहाँ पर, इसका समीकरण है आपके पास में 2x+3y लेस देन इक्वल टू 120। तो ये आ गया 2x+3y लेस देन इक्वल टू 120, ये भी मूल बिंदु की तरफ है तो इधर की तरफ आ गया। तो देखिए यहाँ पे इनका सबका कॉमन जो क्षेत्र है वो कितना आ गया, देखिए ये, देखिए एक तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया और फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये सारा क्षेत्र आपका आ गया। अब देखिए आगे, ये जो क्षेत्र है ये हमारा सही उत्तर है, ठीक है। अब देखिए इसके जो शीर्ष हैं उनका नामकरण कर देते हैं हम लोग, इनके शीर्षों का नामकरण करेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए इसका नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम दे देते हैं ए, इस बिंदु का निर्देशांक तो हमें पता भी है 20,0 है, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी और इसका नाम दे देते हैं डी। डी का निर्देशांक पता है, बी और सी का निर्देशांक हमें नहीं पता है, तो बी का निर्देशांक हम लोग अभी निकाल देते हैं। देखिए बी का निर्देशांक निकालना बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि देखिए बी का एक्स निर्देशांक तो हमें पता है, इस रेखा के ऊपर एक्स बराबर 20 है। तो देखिए एक्स बराबर 20 बी बिंदु के लिए,
एक्स बराबर 20, और यहाँ पे देखिए रेखा कौन सी है, ये है 2x + y = 60, यहाँ पे 20 रख दीजिए, तो 20 दूना कितना हो गया 40, 40 इसमें से जाएगा तो y बराबर भी कितना आ गया 20, तो बिंदु कितना आ गया 20, 20 हमारे पास में निकल के आ गया। तो बी बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया आपके पास में यहाँ पे, बी बिंदु का निर्देशांक हो गया आपके पास में यहाँ पर 20, 20। फिर देखिए सी बिंदु का निर्देशांक, सी बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए आपको दो रेखाओं को हल करना पड़ेगा, एक तो देखिए ये वाली रेखा जो कि है आपके पास 2x + 3y = 120, और एक ये वाली रेखा जो है 2x + y = 60, घटा दीजिए तो ये रेखा बनेगी आपके पास 2y = 60, तो ये y बराबर कितना आ गई आपके पास में 30, y बराबर 30 आ गई। y बराबर 30 अगर आप लोग यहाँ पे एक रेखा में रख देते हैं तो आपके पास में x बराबर कितना निकल के आ रहा है, 15 निकल के आ रहा है, तो ये बिंदु हो गया 15, 30, तो ये बिंदु बन गया आपके पास में यहाँ पर 15, 30, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए हमारे पास में चूंकि सभी बिंदु आ गए हैं शीर्ष के, तो देखिए हमारा जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है हमारा, ये क्षेत्र है अनुकूल, जो क्षेत्र हमारा आया है वो है ओ ए बी सी डी ओ, ये आ गया। अब देखिए हमारा आगे क्या होगा, देखिए आगे हमारे पास में हमें जेड की टेबल बनानी पड़ेगी, तो देखिए जेड की टेबल क्या होगी, देखिए उसके अंदर एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, जेड कितना आएगा हमारे पास में यहाँ पे, जेड आएगा, देखिए जेड कितना आया था, जेड आया था ये 3/4x + y/2, तो देखिए इसको अगर आप लोग ऐसे ना लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.75x + 0.5y। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में कौन सा बिंदु हमें रखना है, हमें बिंदु ओ रखना है, हमें बिंदु ए रखना है, बी रखना है, सी रखना है, डी रखना है, तो देखिए ओ रखेंगे तो 0, 0 आएगा, तो ये मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिंदु ए रखेंगे तो ये कितना आएगा, 20 आएगा, 0 आएगा। 20 यहाँ पर रखेंगे तो ये मान कितना निकल के आएगा, देखिए ये मान बन जाएगा आपके पास में यहाँ पर 20, अगर आप यहाँ रखेंगे तो देखिए ये, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे इसको 2 गुना करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 को 0 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ देखिए बी बिंदु, बी बिंदु कितना है, 20, 20 है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 20, 20 रखेंगे तो ये कितना बनेगा आपके पास में, 25 बन जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए अगर आप यहाँ पे 15, 30 रखेंगे, 15, 30 रखेंगे तो ये बिंदु बनेगा आपके पास में यहाँ पर 26.25। फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ पे डी रखेंगे 0 और 40, 0 रखेंगे और 40 रखेंगे, तो ये इसको गुणा करने पे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो हमारे पास में अधिकतम क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये हमारे पास में क्या आ रहा है, अधिकतम आ रहा है, ये अधिकतम आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा इसका उत्तर, अतः ए प्रकार के 15 कप व बी प्रकार के 30 कप बनाने पर अधिकतम लाभ 26.25 प्राप्त होगा, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट आईआईटी जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।